कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा लिखा है, आरती लिमिटेड का 31 मार्च 2018 का लाभ 56,000 रुपया था, कर के पूर्व का लाभ कहलाएगा ये। और इसमें हमको दिया हुआ है स्टॉक, ये करंट एसेट्स है, चालू संपत्ति है, व्यापारिक प्राप्ति ये भी करंट एसेट्स है, पूर्वदत्त किराया ये भी करंट एसेट्स है, पूर्वदत्त व्यय ये करंट लाइबिलिटीज़ है, पूर्व व्यापारिक देताएं ये भी करंट लाइबिलिटीज़ है। हमेशा याद रखिएगा, करंट एसेट्स जब प्लस होता है तो हम लोग माइनस करेंगे, करंट एसेट्स जब माइनस होता है तो हम लोग प्लस करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ के लिए क्या नियम बताया हूँ आप लोगों को, ये जब प्लस होता है तो हम भी प्लस करेंगे, ये जब माइनस होता है तो हम लोग भी माइनस। करंट एसेट्स में बस उल्टा करना है, इसमें सेम करना है, तो इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। और इसमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, कर और असाधारण मत के पूर्व का लाभ 56,000, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। गैर रोकड़ और गैर संचालन मदों का समायोजन इसमें कुछ नहीं है, ना तो गैर रोकड़ है ना तो गैर संचालन मदें हैं, तो इसको हम लोग डैश कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा स्टेप फर्स्ट में आ जाएगा, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व का लाभ 56,000, इसको आउटर में हम लोग लिख लेंगे। तो आउटर में लिखने के बाद अब हम लोग कार्यशील पूंजी में जो परिवर्तन हुआ है उसको देखेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहला दिया है करंट स्टॉक, स्टॉक 17 में है 14,000 और 18 में ये कम हो गया है 12,400, अर्थात 1,600 रुपया कम हो गया है। तो जब भी करंट एसेट्स में कमी होती है तो हम लोग उसको प्लस करते हैं, तो हम लोग प्लस कर देंगे 1,600। दूसरा है व्यापारिक प्राप्तियां, 10,000 बढ़ गया है। जब भी करंट एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग घटा देंगे व्यापारिक प्राप्ति को, 10,000 घटा देंगे। तीसरा है पूर्वदत्त किराया, ये भी करंट एसेट्स है, 1,000 बढ़ गया है, इसको भी हम लोग घटा देंगे। संपत्ति बढ़ता है तो हम घटाते हैं और घटता है तो हम बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं। दायित्व में जैसा है वैसा ही करते हैं, जैसे कि पूर्वदत्त व्यय ये कम हो गया तो हम भी माइनस कर देंगे, पूर्वदत्त एक्सपेंसेस ये है करीब 400 रुपया, पूर्व अदत्त व्यय, पूर्वदत्त किराया और पूर्वदत्त व्यय नहीं है, आउटस्टैंडिंग ये प्रश्न में गलत लिखा है, अदत्त व्यय होना चाहिए। तो अदत्त व्यय 400 रुपया कम हो गया, हम भी कम कर देंगे। फिर व्यापारिक देयताएं बढ़ गई हैं तो हम भी बढ़ा देंगे 2,000 रुपया, तो इस प्रकार इसको प्लस करने पर आएगा 59,600। और जो नीचे लेस वाला है उसको माइनस करेंगे तो आएगा 48,200, और ये निकलेगा हमारा कर के पूर्व संचालन से रोकड़। चूंकि कर कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इसको डैश छोड़ देंगे, और अंत में हमारा निकलेगा संचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ 48,200 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कठिन है, कठिन इसलिए है क्योंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है करों के लिए प्रावधान एवं प्रस्तावित लाभांश के पश्चात का शुद्ध लाभ है, और हम लोग हमेशा ऊपर में लिखते हैं कर और असाधारण मदों के पूर्व का लाभ, तो यहाँ हमको पश्चात का लाभ मिला है तो हम लोग इसको पूर्व का लाभ निकालेंगे। तो पूर्व का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, और बाकी क्वेश्चन में क्या क्या है देख लेते हैं। प्रस्तावित लाभांश है, कर के लिए प्रावधान है, ख्याति का अपलेखन है, मशीन पर ह्रास है, यंत्र के विक्रय से हानि है, फर्नीचर के विक्रय ये भी असाधारण मदें हैं, ये भी असाधारण है, मशीन पर ह्रास तो भी है, ये भी है, तो ये चारों चीज़ों का एडजस्टमेंट होगा, बाकी तो कर का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात का लाभ हमको प्रश्न में दिया हुआ है 22,000 रुपया, तो पूर्व का लाभ निकालने के लिए जो जो चीज़ों को घटाया गया है उसको हम लोग जोड़ देंगे, और जिन जिन चीज़ों को जोड़ा गया है उसको हम लोग घटा देंगे। जैसे कर के लिए प्रावधान करे होंगे तो हम लोग घटाए होंगे,
तो इसको हम लोग जोड़ देंगे 10,000 रुपया। प्रस्तावित लाभांश को भी घटाया गया होगा, जोड़ देंगे हम लोग 10,000 रुपया, 20,000 जोड़ देंगे तो ये आएगा 42,000। और आयकर की जब वापसी हुई है तो उसको हम लोगों ने जोड़ा होगा तो हम लोग उसको घटा देंगे, तो 8,000 घटाने पर कर के पूर्व का लाभ आएगा 34,000। अब हम लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे प्रश्न को। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कर एवं असाधारण मदों के पूर्व का लाभ 34,000। अब इसमें हम लोग जो समायोजन करते हैं, गैर रोकड़ और गैर संचालन मदों का समायोजन, इसमें ख्याति को अपलिखित किए माइनस किए होंगे उसको प्लस कर देते हैं 8,000। ह्रास माइनस होता है लाभ हानि खाते में, उसको प्लस कर देंगे। और यंत्र विक्रय से हानि 2,000 रुपया, इसको भी हम लोगों ने माइनस किया होगा, इसको भी हम लोग प्लस कर देंगे। ये तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 14,000। 34,000 में 14,000 जोड़ेंगे आएगा 48,000। अब इसमें से जो असाधारण मद है, फर्नीचर विक्रय पर लाभ, इसको हम लोगों ने प्लस किया होगा। हानि होती है तो माइनस करते हैं और यहाँ प्लस करते हैं। लाभ हो रहा है तो हम लोगों ने प्लस किया होगा, तो इसलिए इसको हम लोग हानि माइनस करेंगे 8,000 रुपया। तो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व लाभ 40,000 आएगा। इसके बाद हम लोग समायोजन करते हैं चालू संपत्ति और चालू दायित्व में कार्यशील पूंजी का, तो वो चूंकि कुछ है नहीं तो इसलिए डैश डैश कर देंगे। 40,000 फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसमें हम लोग आयकर का जो भुगतान किए हैं उसको माइनस करेंगे 10,000, और माइनस करने के बाद आएगा 30,000। और जो आयकर की वापसी हुई है उसको फिर से हम लोग प्लस कर लेंगे तो ये होगा 8,000, तो ये आ जाएगा 38,000। ये आएगा संचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़। ये शुरू शुरू में ये सवाल थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग इन सवालों को बनाते जाएंगे ये आसान होते जाएंगे, आप लोग समझते जाएंगे। केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है।